वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी। और इसमें हम बताते हैं लिस्टिंग के दिन क्या करना चाहिए, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हालांकि इस हफ्ते कोई आईपीओ खुला नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, जो पिछले हफ्ते आईपीओस खुले हुए थे, उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए लिस्टिंग पर, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उस पर जाएँ हम, उससे पहले सर एक बड़ा बदलाव पिछले हफ्ते हुआ एसएमई क्षेत्र के बारे में। हम लोग अक्सर बात करते थे और कल दो दिन पहले जो है एक सेबी की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है कि लिस्टिंग जो होगी वो 90% से ऊपर नहीं होगी। इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं और क्या वजह रही इस तरह का फैसला लेने के लिए सेबी को? विपुल जी, सबसे पहले ये जो 90% का फैसला था, ये सेबी ने नहीं दिया है, ये एनएससी ने लिया है। और अगर आप देखें तो पीएससी पे ये कायदा कानून ऑलरेडी कई समय से लगा हुआ है। अब इसके कारण क्या होगा उसका, उसको आप, उसकी आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूं। बीएससी में ये लग गया था, एनएससी में नहीं था, तो प्राय करके एनएससी, ये सभी एसएमई वाले एनएससी पे जाने लगे थे। अब दोनों एक्सचेंज समान है, तो लिस्टिंग दोनों एक्सचेंज पे करीब करीब बराबर सी होगी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। दूसरा, जो ग्रे मार्केट प्रीमियम आपके जो साथी हैं शौर्य अपने को जो बताते थे 200% प्रीमियम, 150% प्रीमियम, अब ये इतिहास की बात हो जाएगी। किसी भी कंपनी का प्रीमियम 90% के ऊपर आपको देखने को एसएमई क्षेत्र में नहीं मिलेगा। तीसरा, क्योंकि एक सीमित दायरे में प्रीमियम रहेगा, जो लोग आईपीओ को अप्लाई करते थे कि अपने को अगर शेयर मिले, कितने भी टाइम सब्सक्राइब होने दो, अगर लग गया तो 1 का 3, 1 का 4 हो जाएगा, वो अब बंद हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हद तक एनएससी में, माफ कीजिए, एसएमई के आईपीओ में सब्सक्रिप्शन लेवल में एक तरह से गिरावट देखने को मिलेगी। 700-800 टाइम की लेवल्स अब देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ी सी जो कहते हैं मिठाई में मीठापन कम हो गया है, ये आपको देखने को आने वाले समय में लगेगा। चलिए, तो ये जो है विश्लेषण निकल करके आता हुआ जो फैसला सेबी की तरफ से लिया गया है। और अब जरा आगे बढ़ते हैं और अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि अगर आपका भी आईपीओ से जुड़ा कोई सवाल है तो आप इस सेगमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। सॉरी, पिछले हफ्ते 2 आईपीओ बंद हुए, काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी देखने को मिला। अब लिस्टिंग होने वाली है, लिस्टिंग के दिन क्या किया जाए, किस तरीके का रिस्पांस रहा है, जरा एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी, रिस्पांस में अगर एमके और फार्मा से स्टार्ट करें तो सब्सक्रिप्शन में नज़र डालें तो 67.87 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। लेकिन अगर आप आगे क्या करना उस पर नज़र डालें थोड़ी, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसका अपर बैंड में प्राइस है 1008 का। कुछ दिन पहले ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा था 264 रुपीज़ का। लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 390 का ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, जो से लगभग 40% के आसपास का प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। चलिए, तो एमकोर फार्मा को लेकर के काफ़ी जो है ब्रोकरेज हाउसेस भी पॉजिटिव दिखाई दिए हैं और उनका मानना ये था कि यहाँ पर जो है लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब किया जा सकता है। आनंद राठी का कहना ये है, अरिहंत कैपिटल का भी कहना है सब्सक्राइब करें, रिलायंस सिक्योरिटीज़ का सब्सक्राइब करें और निर्मल बाग का भी कहना है कि आप सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। अरुण सर, आपकी राय क्या होगी एमक्योर फार्मा को लेकर के? आप लिस्टिंग के दिन पूरा मुनाफा वसूल कर लें, थोड़ा मुनाफा वसूलें, थोड़ा रखे रहें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और लिस्टिंग के दिन क्या खरीदारी कर सकते हैं जिनको अलॉटमेंट नहीं हुई तो? विपुल जी, मान लीजिए अपन ये 40% का जो प्रीमियम है उसको मार्केट का एक ओपनिंग प्राइस ले लेते हैं। 40% प्रीमियम पे अगर आप ये शेयर खरीदते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं है। लेकिन अगर ये 40% के बदले में आपको 30% के प्रीमियम के आसपास शेयर मिलता है तो कुछ अपसाइड आपको अवश्य मिल सकता है इस शेयर में, अगर आप लिस्टिंग पर खरीदते हैं। दूसरा, ये ध्यान में रखना चाहिए कि इसकी लिस्टिंग परसों होगी और जो बजट का सत्र है वो अब 2 सप्ताह से कम का रहेगा। वोलेटिलिटी बढ़ सकती है और जो कहते हैं आपके लिए जो मार्केट की वोलेटिलिटी है उसमें भी बढ़त होने की संभावना है,
जो वो रिस्क फैक्टर बोलते हैं वो बढ़ सकता है। तो 40% पर लेना शायद जोखिम भरा है, उसके नीचे 30 के आसपास लेने उसमें कुछ अपसाइड मिल सकता है। ठीक, 40% के आसपास प्रीमियम हो तो फिर आप उसको चेज करने की कोशिश मत कीजिए। 30% के आसपास है तो आप चाहें तो उस पर जो है दांव लगा सकते हैं। चलिए अगली कंपनी पे समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर क्या कुछ अपडेट है। सॉरी बताइए। जी, अगली कंपनी की बात करें बंसल वायर की, तो बंसल वायर पे ग्रे मार्केट का प्रीमियम लगातार मेंटेन है 76 रुपीज़ पे, 256 रुपीज़ के ऊपर प्राइस बैंड पर, जो इस अराउंड 30% के ऊपर प्रीमियम दे रहा है, मतलब कहें मोटा मोटा 30% के आसपास ही चल रहा है प्रीमियम इसका। और इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 62.76 टाइम में सब्सक्राइब होता हुआ नज़र आया था। लेकिन चाहे एम क्योर फार्मा हो, बंसल वायर, दोनों में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का, बल्कि रिटेलर्स ने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया कंपेरेटिवली। चलिए पूछ लेते हैं अरुण जी से क्या कुछ वो सलाह दे रहे हैं। पहले जरा ब्रोकर्स की राय खा दीजिए। हाँ, आनंद राठी कह रहे हैं सब्सक्राइब करें इसको भी लंबी अवधि के लिए। निर्मल बैंक सब्सक्राइब, रिलायंस सिक्योरिटीज सब्सक्राइब, सुशील फाइनेंस ने भी सब्सक्राइब की ही सलाह दी है। सर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, क्या कुछ होगी बंसल वायर को लेकर के? बंसल वायर लंबे रेस का घोड़ा है, ये अपनी कैपेसिटी डबल से कुछ ज्यादा कर रहा है, 3 लाख से नए 3.5 लाख टन का प्लांट डाल रहा है, जिसके अंदर मल्टीपल प्लांट्स है। ये प्लांट कुछ शुरू हो गए हैं और बाकी जो शुरू होने वाले हैं वो अलग अलग महीने में शुरू होकर फरवरी मार्च 2025 तक पूरा हो जाएगा। इसका मतलब अप्रैल 2025 में ये कंपनी 6.5 लाख टन प्रोडक्शन कैपेसिटी की क्षमता वाली कंपनी हो जाएगी। इसका बेस्ट समय 2025-26 का रहेगा, अगर आप निवेश करते हो और आपके पास लंबी अवधि यानी 1 साल का धैर्य है रखने का, अवश्य निवेश कीजिए। लिस्टिंग के बाद भी अगर ये 25-30% के रेंज में लिस्ट होता है प्रीमियम में, तो उस समय भी आप ले सकते हैं। अगर उसके बाद कुछ गिरावट मिलती है, आप डिप्स पे भी ये शेयर को खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप पॉप की खाली बात करते हो, तो 30-35% में ये शेयर मौजूदा स्तर के लिए फुल्ली प्राइस हो जाता है। जी, तो ये राय यहाँ पर बंसल वायर पर निकल करके आती हुई। तो और इसी के साथ हमारे खास पेशकश वाह क्या आईपीओ है को यहीं पर समाप्त करते हैं। वाह क्या आईपीओ है।